हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं छत पे आई हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो इसी वजह से बहुत मन कर रहा था छत पे आने का, तो इसीलिए छत पे आ गए हैं और सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर लें, आप लोग को भी अपने साथ मौसम का इंजॉय करवा दें। तो यही सोच के बस छत पे आई हूँ। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी एक दो हैं, पर कोई मेकअप नहीं किया है तो कोई सामने नहीं आना चाह रही। कोई नहीं, फिर कभी आप लोग के साथ मिला देंगे, मतलब जब नीचे जाएंगे तो, जब अच्छे से सब तैयार हो जाएंगी तो। तो अभी हम लोग सब आए हैं छत पे घूमने के लिए और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ। वैसे एक वीक से बारिश हो रही है और यहाँ क्या हर जगह ही हो रहा है ये बारिश, ऐसे है तो हर जगह ही बारिश हो रही है। और जैसे ही बारिश बंद होता है या कुछ देर होता है तो इतनी ख़राब वाली गर्मी होने लगती है। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है तो लग रहा है अब तब बारिश होगी। यहाँ पे हम लोग छत पे आए हैं और डिसाइड कर रहे हैं क्या कुछ बनाया जाए, क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है तो कुछ चटपटा खाने का बहुत मन करता है। ऐसा मौसम हो और कुछ गर्मा गर्म तीता तीता चटपटा मिल जाए तो मौसम का मज़ा दुगुना हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं क्या चलो कुछ नीचे चल के बनाते हैं। तो हर कोई का मन कर मुझे क्या हर कोई का मन करता होगा क्या ऐसी बारिश का मौसम हो और कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो क्या कहने हैं। तो बस अब सोचे मौसम को पहले इंजॉय किया जाए, फिर कुछ पेट पूजा किया जाए। तो यहाँ पे आ गए हैं, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और अब फिर नीचे चलते हैं, फिर जो भी बनाएंगे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग छत से नीचे आ गए हैं किचन में कोई रेसिपी बनाने के लिए। तो मेरे साथ है साम्या हाय और शिबा। हाय। तो देखिए कितना सज धज के आई है, देख सकते हैं आप लोग। जब तक रेडी नहीं हुई थी तो कोई सामने नहीं आ रही थी, और जब रेडी हो गई अच्छे से तब सामने आई है। तो चलो कोई नहीं, ऐसे भी सज धज के ही सामने आना चाहिए। तो हम लोग सोचे चलो कोई रेसिपी बनाते हैं, बारिश हो रही है तो सामिया बताएगी क्या बनाएंगे। तो आज हम लोग पाव भाजी की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हम लोगों के पास पाव पड़ी हुई थी और फरमाइश भी थी सबकी कि पाव भाजी बनाया जाए, तो आज हम लोग इस रेसिपी को लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे पूरे वीडियो को देखिए कि हम लोग पाव तो पड़ा हुआ है, भाजी कैसे बनाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम लोग भाजी की अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। आज हम लोग तीनों मिलकर भाजी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ऐसे भी काम मिलजुल के ही करना चाहिए तो काम का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग तीनों मिलकर आज बनाएंगे। तो फिर चलिए आप लोग को ले चलते हैं अपने साथ। तो हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया है, अब दिखाते हैं क्या क्या लिए हैं पाव भाजी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे आलू लिया है 2 मीडियम साइज के, और एक गोभी से अच्छे से धो के काट लिए हैं, 1 मीडियम साइज के प्याज इसे भी काट लिए हैं, और 4 छोटे साइज के टमाटर है इसे भी मैंने धो के अच्छे से काट लिया है, और मसालों में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च जीरा का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1.5 टेबल स्पून लिए हैं हम खड़ा जीरा, और फूड कलर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हरा धनिया, ऑयल, और ये बटर, वो सारी चीज़ें भाजी के लिए थी, और ये है पाव जो हमारे पास पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले हम गोभी और आलू को बॉईल कर लेंगे नमक डालकर।
5 सिटीज में लगने देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। हमने 4 से 5 सीटी लगा लिए हैं मीडियम फ्लेम पे, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने तक छोड़ देते हैं। अब हम भाजी के मसाले को रेडी कर लेते हैं। मसाले को रेडी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। इसमें पानी है तो सबसे पहले हम पानी को पोंछ लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब ऑयल डाल देते हैं। टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो गया है और अब हम उसमें जीरा डालेंगे। अब हम जीरे को चटकने देंगे थोड़े देर के लिए। जीरा हमारा चटक गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसे बिल्कुल थोड़ा सा भूनेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। अच्छे से बॉईल हो गया है और हम इसे निकाल के मैश लेंगे। प्याज थोड़ा सा भुन गया है और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टमाटर सॉफ्ट होने के लिए। नमक हम थोड़ा ही सा डालेंगे क्योंकि बॉईल होने के लिए जब हम आलू और गोभी दिए थे तो उसमें हम डाल दिए थे, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा ही सा देंगे। यहाँ पे मैंने आलू और गोभी को मैश कर लिए हैं। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया है। उधर हमारा मसाला भी रेडी हो रहा है और मैं यहाँ पे इसे भी तैयार कर ली हूँ। हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसमें सारे मसाले को ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, जीरा का पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, और अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भुन गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अब हम फूड कलर डाल देते हैं थोड़ा सा। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे 1 टेबल स्पून। हम बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मसाला भुन गया है और अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू और गोभी को डाल देंगे।
और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम पाव भाजी का मसाला दिखाना भूल गए थे। ये भुन गया है और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून डालेंगे पाव भाजी मसाला, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भुन गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। भाजी हमारा रेडी हो गया और अब हम इसमें धनिया पत्ती को ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें बटर को डाल लेंगे पाव को सेकने के लिए, और अब एक एक करके हम पाव को सेक लेंगे। एक साइड हो गया है, अब इसे पलट कर हम दूसरे साइड को भी अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, इसका चमक बिल्कुल भी नहीं गया है। ये हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा पाव और भाजी बनके रेडी हो गया है, और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आया है। तो देखा फिर आप लोग ने हम लोग मिलजुल के कैसे बना लिया फटाफट से पाव भाजी। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो भी लाइक करें, और हेटर्स डिसलाइक के लिए रेडी रहें। हमारी वीडियो आने वाली जी आ चुकी है, तो आपकी आपके अब आपकी मर्जी है लाइक करें या डिसलाइक करें। हमारा काम है काम करना, वो हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग की मर्जी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।